नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं प्रियंका झा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के मुद्दे पर नाराज तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार से अलग होने का फैसला किया है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। केंद्र सरकार में टीडीपी के मंत्री गुरुवार सुबह मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि पार्टी ने साफ किया है कि वो एनडीए से अलग नहीं होगी। शिमला पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 147 साल पुराने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। जितेंद्र पर उनकी रिश्ते की बहन ने 47 साल पहले यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। फरवरी में पुलिस महानिदेशक के सामने दर्ज कराई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि ये घटना जनवरी 1971 में शिमला की है, जब वो 18 साल की थी और जितेंद्र 28 साल के थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी COA ने क्रिकेटरों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। नए कॉन्ट्रैक्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आर अश्विन को टॉप कैटेगरी यानी A+ ग्रेड से बाहर रखा गया है। उन दोनों को A ग्रेड में रखा गया है, जबकि कप्तान विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ियों को A+ ग्रेड में रखा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पत्नी के साथ हाल ही में विवादों में फंसे मोहम्मद शमी को कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया है। A+ में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि A को 5, B को 3 और C को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन आरोपों का खंडन किया है कि उनका एक पॉर्न स्टार के साथ अफेयर था और उन्होंने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। व्हाइट हाउस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के ट्रंप के साथ साल 2006 और 2007 में सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। त्रिपुरा में लेफ्ट की करारी शिकस्त के बाद सीएम आवास को छोड़ने वाले माणिक सरकार अब अपनी पत्नी पांचाली भट्टाचार्जी के साथ राजधानी अगरतला में CPM के दफ्तर के ऊपर 2 कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं। उनकी पत्नी सेवानिवृत्त केंद्र कर्मचारी हैं। माणिक सरकार के पास खुद का घर नहीं है, लेकिन उन्होंने विधायकों को मिले आवास में रहना पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ सूबे की कमान संभालने जा रहे BJP के नेता बिप्लब देव ने कहा है कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार को बेहतर सरकारी आवास और दूसरी सुविधाएं पाने का हक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर साल महिला शक्ति के सम्मान में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके महिला शक्ति को सलाम किया है। महिला दिवस को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में सभी महिला टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात किए हैं। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल और रेणुका चौधरी ने भी संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए 0 आवर नोटिस दिया है। मौका खास है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी गूगल ने 12 फीमेल आर्टिस्ट को समर्पित विमेंस डे स्पेशल डूडल बनाया है। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।